तेजस्वी यादव ने सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब विफलता को छुपाने के लिए कोई और बहाना नहीं चलेगा। वहां लगभग 40 लोग बिहार से बाहर फंसे हुए हैं जो घर वापस आना चाहते हैं। सरकार का कर्तव्य है कि वे सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें और अपने स्वास्थ्य, यात्रा, भोजन और ठहरने की सभी आवश्यक रसद व्यवस्था करें, क्योंकि यह आपका अधिकार है, क्योंकि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आप प्रदेश के मुखिया होने के नाते आपका पूरा कर्तव्य बनता है कि 40 लाख लोग जो बिहार से बाहर फंसे हुए हैं उनको घर वापसी कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN बिहार। MHA का गाइडलाइन आया है और बिहार सरकार का लगभग जो आंकड़ा था, जो बिहार के प्रवासी मजदूर जो बिहार से बाहर रहे, वो जो सरकारी आंकड़ा जो बिहार सरकार का, वो लगभग 25 लाख का था। अब MHA की गाइडलाइन के बाद जो भी टूरिस्ट हों, माइग्रेंट हों, या जो लेबर्स हों बाहर, या जो स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं, अब वहाँ की सरकार जो है वापस लाने का काम कर सकती है। मेरा यही मांग है नीतीश कुमार जी से, बिहार सरकार से, कि जो 25 लाख जो आंकड़ा जो आपने, सरकार ने जो देने का काम किया है, हालांकि ये हो सकता है कि लगभग 40 लाख लोग भी हों जो बाहर फंसे हुए हों, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई नियमों का हवाला नहीं चलेगा। मैं यही मांग करूंगा कि नीतीश कुमार जी सभी लोगों को अविलंब तुरंत वापस बिहार लाएं, सुनिश्चित करें और जल्द से जल्द लाने का काम करें, और लाने के बाद चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां भी बिहार के लोग फंसे हैं उनको लाने का काम करें। अब मैं यही चाहूंगा कि ला करके कहीं उठा करके फेंक ना दिया जाए, कहीं इधर उधर रख ना दिया जाए, बल्कि उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ से रिलेटेड, कोरोना टेस्टिंग से लेकर के, डोर टू डोर से लेकर के, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने का सरकार काम करे, और ये सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। और लगातार हम विपक्ष के लोगों की ये मांग रही है और लगातार संघर्ष हम लोगों ने किया है ताकि बिहार से जो फंसे जितने भी माइग्रेंट हैं, जो फंसे हुए मजदूर हैं या छात्र छात्राएं हैं, वो बिहार आ सके। उनका पूरा क्वारंटाइन का व्यवस्था होना चाहिए, दवा की व्यवस्था होनी चाहिए और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए ताकि उनकी टेस्टिंग हो सके और वो जो है पूरी तरीके से स्वस्थ हो। ये हमारी मांग है बिहार सरकार से।